क्या आपको भी लगता है कि गर्मी में जल्दी फैट घटाया जा सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि इस मौसम में पसीना अधिक निकलता है? अगर हाँ तो चलिए आपकी गलतफहमी को दूर कर देते हैं। फिटनेस एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आज हर दूसरा व्यक्ति सोचने लगा है। वहीं खुद को फिट रखने वाले और फैट घटाने वाले लोगों के मन में कुछ भ्रम है। जैसे सर्दियों में व्यक्ति आसानी से फैट गेन कर सकता है, वहीं गर्मियों में फैट कम करना आसान हो जाता है। लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि गर्मी के मौसम में पसीना बहुत ज्यादा और जल्दी निकलने लगता है, वहीं सर्दियों के मौसम में कड़ी मशक्कत करने के बाद भी पसीना नहीं निकलता। कुल मिलाकर लोगों का मानना है कि पसीना निकलेगा तो फैट लॉस होगा और अगर नहीं निकलेगा तो नहीं होगा। लेकिन क्या यह ऐसा है? यह एक मिथ है जो बेवजह फैलाया जा रहा है। आइए जानते हैं इससे जुड़े तथ्य और भ्रमों के बारे में। क्या गर्मी में पसीना निकलना अच्छा है? अगर हम कहें कि यह सवाल पूरी तरह गलत है, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी, पसीना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आपको बता दें कि हमारे शरीर के त्वचा के भीतर 2 से 4 मिलियन पसीनों की ग्रंथियां होती हैं। यह ग्रंथियां स्किन के ऊपरी भाग पर इलेक्ट्रोलाइट और पानी का स्राव लगातार करती रहती है। ऐसे में जब भी पसीना शरीर से तब निकलता है जब शरीर का तापमान 98.6 फारेनहाइट से अधिक होता है। इसलिए यह ग्रंथियां शरीर को ठंडा बनाए रखने के लिए पसीना निकालने लगता है। ऐसे में पसीना वर्कआउट से निकलने या फिर बिना वर्कआउट के, इसका उद्देश्य केवल शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखना होता है। क्या पसीना निकलने से फैट कम होता है? आपने अक्सर जिम ट्रेनर के मुंह से यह सुना होगा कि वर्कआउट के दौरान अधिक से अधिक पसीना बहाओ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसके जरिए आपके शरीर का जिद्दी फैट भी खत्म होने लगेगा। ऐसे में चाहे आपको पसीना मौसम की वजह से आ रहा हो या फिर वर्कआउट की वजह से, यह सिर्फ आपकी कैलोरीज को ही जलाएगा, न कि आपके फैट को। इस प्रक्रिया में शरीर फैट के जरिए ऊर्जा प्राप्त करेगा, लेकिन जो ही आप भोजन करेंगे वैसे ही फैट वापस आ जाएगा। अगर आप अधिक पसीना बहाते हैं तो निश्चित रूप से यह वजन घटाने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन शरीर पर जमा हुआ फैट घटाने की वजह इस बात पर निर्भर करेगी कि आप वर्कआउट किस तरीके से करते हैं और क्या क्या खाते हैं। कैसे घट सकती थी फैट? अगर आप एक सही डाइट, वर्कआउट और जीवन शैली का पालन करते हैं तो इसके जरिए आप आसानी से फैट भी घटा सकते हैं और वजन भी। अगर आप तेजी से फैट घटाना चाहते हैं तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में खुद को झोंक दें। इसके जरिए आप आसानी से फैट घटा पाएंगे और आपके मसल्स का साइज भी बेहतर होगा। प्रोटीन का सेवन कैसे करें? फैट घटाने की प्रक्रिया में सही मात्रा के अंदर प्रोटीन मिलना बेहद जरूरी होता है। प्रोटीन के जरिए आप लंबे समय तक ऊर्जावान रहेंगे और फैट कम होने के साथ आपका मसल साइज गेन होगा। उच्च प्रोटीन का सेवन चयापचय को बढ़ाता है, भूख को कम करता है और कई वजन को रेगुलेट करने वाले हार्मोन को भी बैलेंस करता है। गुड फूड का सेवन कैसे करें? फैट घटाते समय लोग अक्सर गुड फैट पदार्थों का सेवन भी पूरी तरह बंद कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो यह गलती न करें। इससे आपका फैट तो कम हो जाएगा लेकिन आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। कई अध्ययनों से पता चलता है कि अधिक पानी पीने से वजन घटाने और इसे मेंटेन करने में मदद मिलती है। फैट घटाने का सबसे जबरदस्त तरीका अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिए। इससे आप अधिक खाने से बचेंगे और कैलोरीज और फैट दोनों से ही दूर रहेंगे। कैलोरी डेफिसिट पर जाएं। वजन कम करने और फैट बर्न करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा, जिसे 3 मुख्य तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिदिन जरूरत से कम कैलोरी खाएं। जितना आप खाते हैं उससे अधिक व्यायाम के माध्यम से कैलोरी बर्न करें। कम कैलोरी खाएं और शारीरिक गतिविधि को बढ़ा दें।